कहाँ सुबह सुबह तैयार होके जाया जा रहा है एक बार फिर रिजेक्ट होने के लिए। क्यों, क्या शादी वादी का इरादा तो नहीं है? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, मेरी बहू वही बनेगी जो हम सबको यहाँ से बाहर सेटल करवाएगी, मुल्क से बाहर, वरना मेरी तरफ से इनकार है। अरे अम्मी सुन तो ले बात, मेरा प्लान सुनेंगी ना तो घूम जाएंगी। वो पुराने धमाके से ना अभी तक झूम रही हूँ, तू और मुझे झुमा। अरे वो तो मेरी प्लानिंग थी, मैंने ना मस्नूई धमकी खुद को लगवा के असाइलम के वीजे के लिए अप्लाई किया है। हाय मेरा बच्चा, असाइलम, असाइलम व्हाट अ ग्रेट कंट्री, मुझे तो इतना पसंद है वहां का फ्रूट। एक मेरी दोस्त है, उसने मुझे वहां का तरबूज खिलाया था असाइलम का, इतना मीठा, उफ मैं भूल ही नहीं सकी आज तक। अम्मी असाइलम पनाह लेने को कहते हैं। जी हाँ, तो जी जी तो हमें पता है कि आपने तो बाहर मुल्क में अपनी पढ़ाई की थी। हाँ। तभी तो आपकी इंग्लिश इतनी कमजोर है। मैं, अरे छोड़ो ना यार, अम्मी एम्बेसी से ना खास मेहमान आ रहे हैं और उनके सामने हमने बहुत अच्छे से बिहेव करना है और उन्हें उन्हें लगना चाहिए कि हम लोग डरे हुए घबराए हुए, ताकि जल्दी से हमारा काम हो जाए। हाँ? मेरे लाल, तू इतना निकम्मा नहीं है जितना हम समझते थे। छोड़ो यार इसको, तो अम्मी एक दफा हमारा केस एक्सेप्ट हो जाए बस, उसके बाद वीजा और फ्लाइट। बुशरा खाला ने ना जब ये पैदा हुआ था तसा था तू, बुशरा खाला ने कहा ये बच्चा तुम्हारा हर ख्वाब पूरा करेगा। अरे अम्मी आप तो कहती थी कि मैं लंदन में पैदा हुआ था, बुशरा खाला तो अपनी पूरी जिंदगी में लांडी से आगे नहीं बढ़ी। फोन पे बोला है। कहानियां ही सुनते रहो आपकी तो। चलो फ्रॉडिये, शर्म नहीं आती तुमको? क्या क्या हुआ भाई, क्यों मार रहे हैं आप इसे? तू तो एम्बेसी वाले लोगों को लेने गया था ना। ओ फ्रॉडिया है ये, दो नंबर तरीके से वीजा अप्लाई करता है। कब्जा हो गया तो हो गया भाई, यहाँ तो पुलिस आ गई, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। सर क्या क्या हुआ, क्या है? ओ फ्रॉडिया है ये, दो नंबर तरीके से वीजा अप्लाई करता है। ये कहाँ से सर, इसे तो कभी एक नंबर वीजा सही से अप्लाई नहीं किया, दो नंबर क्या खाक करेगा। ओ बीबी जी बहुत होशियार है ये, अपने घर पे खुद हमला करवाता है, फिर अपने दोस्तों से धमकियों के फोन भी करवाता है। क्या क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? ओ बीबी, इसके दोस्तों ने जिनसे फोन छीके धमकियों के फोन किए थे, उसमें एक नंबर डीएसपी साहब का भी था, और जब एम्बेसी वालों ने इंक्वायरी कराई और डीएसपी साहब के घर गए तो डीएसपी साहब ने सारा वाकया बता दिया, और जहाँ ये वारदात हुई है ना वहाँ पर कैमरा लगा था, हमने लड़की की गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया। लड़की, लड़की कहाँ है लड़की? उसको तो हमने रात भी उठा लिया था, उसी ने सब कुछ उगरा है, उसके साथ एक और लड़का वाहिद भी था जो फरार है अभी। ये पागल है, हो नहीं सकता ना ऐसा। अम्मी मैं तेरी माँ नहीं हूँ, ये तेरी माँ है। अरे सर मेरा भाई इतना ऐसा था, बस बचपन में ही केले के छिलके से संग रखे, सारी जिंदगी बस गिरता ही चला गया मेरा भाई। बहुत इलाज करवाया मगर कोई भी फायदा नहीं, अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। वो कौन सा रास्ता? गिद्दू बंदर, अगर आप इसको गिद्दू बंदर ले जाएंगे तो वो भी बंद हो जाएगा। आपकी भी तो कोई माँ होगी। और जवान बहन खूबसूरत, वाह ठीक है इनकी वजह से तुझे इस दफा छोड़ रहा हूँ, अगली दफा मेरे हत्ते लगा ना तो तेरा पागल पर उस रास्ते से निकालूंगा, तुझे लग पता जाएगा। चल दीन बख्श। थैंक यू। पागल कहीं का, जो शख्स कभी डिप्लोमा ना कर सका वो आगे जा सारी जिंदगी कहता रहा डिप्लोमा करना है, कहाँ कर पाया। इधर आ जाओ। क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ? जी ओके। जीते रहो, कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर देना माँ।